डिफरेंशियल ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां फंक्शन डिफरेंशियल है हाँ। बोलो ऐसा कौन सा ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पे एंड दिस फंक्शन इज तो हम लिखेंगे दिस फंक्शन इज ए पॉइंट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिबल एट जेड इक्वल टू ए अच्छा कोई ए पॉइंट होगा तो वहां हमने कहा फंक्शन डिफरेंशियबल है लेकिन प्रॉब्लम है मुझे क्या प्रॉब्लम है देखते हैं हमने कहा यह कॉम्प्लेक्स प्लेन है ये एक्स है और ये वाई है ये एक्स डैश है ये वाई डैश है जेड इक्वल टू ए पे फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशियबल है एक ही पॉइंट पे तो क्या फंक्शन एनालिटिक है दिस एनालिटिक एनालिटिक नॉट इक्वल ए पे होगा कि नहीं होगा आंसर नो क्योंकि अगर तुमने ए का कोई भी नेबर रूड लिया तो उसमें कोई भी ऐसे पॉइंट नहीं मिलेंगे जहां फंक्शन डिफरेंशियबल है मुझे ए का कम से कम एक नेबर रूड ऐसा जरूर मिलना चाहिए था जहां पे हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियबल होना चाहिए मतलब फंक्शन डिफरेंसिबल तो है ए पे बट 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 क्या नहीं है बट जेड इक्वल टू ए फंक्शन इज नॉट कैसा फंक्शन इज नॉट एनालिटिक बात समझ में आई सर है? इसका मतलब जैसे जेड इक्वल टू ए पे तो है जेड इक्वल टू ए पे डिफरेंसिबल है ना हमने डेफिनेशन क्या लिखी

ए का कोई भी नेबर रूट बनाएंगे तो फंक्शन का भी डिफरेंशियबल नहीं होगा uh, किसी भी नेबर रूट पे यस दैट मीन्स अगर लिखना चाहो लिखोगे वी कैन नॉट फाइंड ए रूट ऑफ ए वे आर एफ डेड दैट इंप्लाइज फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू कैन राइट आल्सो इन दिस बात समझ में आई यस आर नो और भाई ओके सो नाउ एक और क्वेश्चन लिखते हैं एफज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी सी इज ए कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट दैट दिस इज एनालिटिक कॉम्प्लेक्स प्लेस नोट यस होना चाहिए होना चाहिए क्या होगा क्योंकि यहाँ क्या है दिस दिस अरे दिस फंक्शन इज़ डिबल फॉर ऑल जेड बिलोंग टू सी अरे जब कॉम्प्लेक्स नंबर के हर एक प्लेन पे पे हर एक पॉइंट है तो मुझे तो मुझे कोई भी पॉइंट ऐसा मिलने वाला ही नहीं है जहां पे डिफरेंशल नहीं है तो चाहे कोई पॉइंट मिल उठाओगे उसका नेबर रूट बनाओगे तो नेबर रूट के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिबल है इसके मतलब एवरी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक भी है that implies yeah, f z is analytic at z belongs to c sub point pe analytic b. point out yeah. yes or no? point yes. out. नो सर। ओके। अच्छा। तो ये तो पॉइंट पे डिफरेंशी हो गई अगर पर्टिकुलर हम कभी भी ये कहें कि इज एनालिटिक ऑन डी किसी डी पे हो किसी डी डोमेन है तो दिस दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड होलोमॉर्फिक फंक्शन किसी भी अगर डोमेन में फंक्शन एनालिटिक हो जाए पूरे डोमेन में हो जाए तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज कॉल्ड होलोमार्फिक चाहे एनालिटिक हो चाहे होलोमार्फिक कुछ लोग होलो कहने लगेंगे सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड होलोमार्फिक होलो मार्फिक फंक्शन इट इज डिनोटेड बाई इट इज डिनोटेड बाई एच डी ओके कहीं हम एच डी लिख दें इसके बाद फंक्शन पूरे डोमेन में कैसा है बोलो मार्फिक बात समझ में आ रही सबके बाद समझ में आई दस होलो मार्फिक कोई डाउट? नो सर ओके okay. अच्छा हम लोग फिर से एक बार रियल की बात करते हैं मुझे लगता है एनालिटिक डिफिनेशन तो समझ में आ गई होगी फिलहाल जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं अभी अभी मैंने इजी इजी क्वेश्चन लिखे हैं इसलिए तुम बता दे रहे हो अभी कठिन क्वेश्चन भी आने वाले हैं ना कि एनालिटिक होगा कि नहीं होगा लेकिन हाँ मेरी बात हो रही है कि अगर हम रियल एनालिसिस की बात करते हैं रियल एनालिसिस, ओके, और हम आपसे पूछते हैं फॉग कब डिफरेंशिबल होगा तो जो हमारा जी है वो डिफरेंशिबल होना चाहिए किस पे इफ जी इज डिफ्रेंसिबल एट जेड इक्वल टू जेड नॉट एंड एफ इज डिफरेंसीबल एट जी नॉट ओके अगर ऐसा हुआ तो पक्का है कि फॉग क्या होगा दैट इंप्लाइज एफ ओ जी एट जेड नॉट इज डिफरेंसिबल एट जेड इक्वल टू जेड नॉट उस पॉइंट पे पक्का डिफरेंसिबल होगा ये रियल एनालिसिस की कंपोजिशन थ्योरम है दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन थ्योरम ऑफ द रियल सेंस कंपोजिशन थ्योरम ओके कंपोजिशन कंपोजिशन थे और हम लोग बहुत पढ़ते हैं इसको इस थ्योरम को हम एक्सटेंड करते हैं uh, पे कि क्या ये जो थ्योरी लिखी है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो लागू है फंक्शन अगर हमारे पास ए और जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है अगर वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है और जी हमारा डिफरेंसिबल है इक्वल टू जेड नॉट पे जो हमने लिखा है थ्योरम थ्योरम ये इक्वल टू नॉट पे पे तो होल्ड करती है लेकिन क्या ये थ्योरम एनालिटिक पे होल्ड करती है कि नहीं करती है क्योंकि रियल और कॉम्प्लेक्स की डिफरेंसिबिलिटी बोथ आर सेम कंपोजिशन थ्योरम अलजेब्रा बोथ आर सेम जो अलजेब्रा रियल एनालिसिस की है वही अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की भी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो थ्योरम आई वो थ्योरम हमने रियल में लिखी जो कॉम्प्लेक्स में भी लिखी

तो क्या फॉग हमारा एनालिटिक होगा जेड इकोल्ड नॉट पे दिस इज माई क्वेश्चन कैन यू से दैट यस आर नो यस टेल मी यस हा हां बोलो बोलो क्या होल्ड करेगा uh... आंसर इज यस ओके तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर यस yes होगा एनालिटिक भी होगा अगर एनालिटिक किसी पॉइंट पे हो या एनालिटिसिटी किसी डोमेन पे हो तो भी हमारे लिए ये जी डी फंक्शन एनालिटिक होगा ठीक है बात समझ में आई कोई डाउट किसी को बोलो बोलो भाई अरे कोई डाउट नो no. अच्छा हम एक नए नोटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं हेडिंग है डाल लेते हैं नोटेशन के एक नया नोटेशन हम देने जा रहे हैं और नोटेश क्या है नोटेशन देखते हैं ठीक है देखते हैं नोटेशन तो हेडिंग है डालते हैं नोटेशन ठीक मुझे फंक्शन एफ जेड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है उसको हम लोग लिखते हैं यू प्लस आई बी ठीक फिर यू इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड आई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई अच्छा अगर मैंने इसको एफ जेड लिखा अगर मैं चाहूं तो एफ जेड ना लिख के इसको डब्लू टू वेरिएबल की तरह लिख सकते हैं एक्स का मोबाइल इक्वल टू यू एक्स का मोबाइल प्लस आई वी एक्स का मोबाइल एनी डाउट एनीवन नो no. ठीक है अच्छा अगर टू वेरिएबल टू वेरिएबल कभी आ जाता है तो मुझे एक बात पता है कि अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो पार्शियल डेरिवेटिव का यूज होता है हुँ. तो हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो हम उसको डिफाइन करते हैं तो हमारे पास डिफाइन ये सब डिफाइन कर रहे हैं ठीक है और ये बैक फार्मूला इज लिमिट मी एलमी टेंस टू जीरो यू ऑफ योबाई नो एक्स कम वाई माइनस यू एक्स का मोबाई अपॉन एच दिस इज अ पार्शियल डेरिबेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ फंक्शन सिमिलरली वी विल डिफाइन यू वाई तो हम डिफरेंशियबल यू आई भी डिफाइन कर सकते हैं यू वाई ऑफ एक्स का मोवाई इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो यू ऑफ एक्स के मान लेते हैं वाई प्लस के कमा यू एक्स कमा वाई ओवर के सिमिलरली वी विल डिफाइन वी एक्स कमा वाई एंड वी वाई एक्स आल्सो ओके सिमिलरली वी डिफाइन एक्स एंड वी वाई वी एक्स और बी वाई हम डिफाइन कर सकते हैं सिम्लर जैसे हमने यूएक्स वीवाई किया वैसे हम बी एक्स और बीवाई भी डिफाइन कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को एनी वन no. uh, कोई भी डाउट तो अगर हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं तो फिर हम इक्वेशन वन से अगर हम पूरी इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंसिबल करना चाहें तो हम इस इक्वेशन को इस टाइप से भी लिख सकते हैं वी कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन इन

ux x comma y plus vx x comma y into i this is say that equation number b ah uh, similarly differentiate with respect to y similarly differentiate with respect to y so say that f y equal to u y x comma y plus i comma v y x comma y say that equation number c okay simple जैसे मैंने differentiate x के respect में किया तो पूरी equation को डिफरेंशिएट कर दिया हमने बाइक के रिस्पेक्ट में किया तो भी हमने डिफरेंशिएट कर दिया आ, यहां तक कोई डाउट किसी को एनी वन एनी डाउट कोई भी डाउट नहीं ना अच्छा अगर 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 फ्रॉम बी और सी में ऐसा हो जाए कैसा हो जाए एफ एक्स इक्वल टू आई एफ वाई हो जाए ये पर्टिकुलर कंडीशन हो जाए हम नहीं कह रहे कि हमेशा ऐसा होल्ड करेगा लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा इस पे चर्चा करते हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम थोड़ी देर में देखेंगे हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू आई एफ वाई हो गया तो क्या क्या कंपेयरिंग आएगी सो so इफ जो हम इफ कर रहे हैं वो अपनी तरफ से कर रहे हैं तुमको वैसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी निकाली गई कुछ चीजें जब डिफरेंशल हुआ तो देखा गया कि फंक्शन जो है ऐसा होल्ड करेगा क्यों करेगा वेट ओके okay? हम प्रूव करेंगे देखेंगे कि ऐसा क्यों किया तो हमने कहा अगर ऐसा हुआ कि जो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है और एफ वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है वो दोनों डेरिवेटिव अगर मैंने किए और एफ एक्स इज इक्वल टू आई एफ वाई के इक्वल आ गया मान लिया आ गया अगर आ गया तो हम कंपेयर करेंगे मेरे सामने यू और वी Ux और VX और और Vy के साथ रिलेशन आएगा एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड कोसी रिमॉन इक्वेशन क्या कहलाता है कोसी रिमॉन इक्वेशन ठीक है देखो मैं बिल्कुल जमीन से लेके जा रहा हूं ओके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं कहा क्या किया एक बार फिर से देखो क्योंकि हम कनेक्ट कर रहे हैं कौशी रिमानी क्वेश्चन को ये सब कौशी रिमानी क्वेश्चन को कनेक्ट करने के लिए किया वास्तव में देखा जाए तो मैं खाली लिया कैसे अभी तक जब कॉम्प्लेक्स हम पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा है जो अभी तक कुछ नया पढ़ा हम बार बार आपको एक बात ध्यान दिलाते हैं कि अगर मुझे रियल एनालिसिस अच्छी आती है तो मुझे कॉम्प्लेक्स समझने में कोई परेशानी नहीं अगर मुझे सेबर बैरेबल बहुत अच्छा आता है तो मुझे कॉम्प्लेक्स समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेबर बैरेबल का यूज है और अच्छा एक चीज़ और पता है कि पूरे रियल एनालिसिस में एक ही ऐसा पार्ट है जो बहुत इजी पार्ट है वो है सेवर बैरेबल वो इजी पार्ट अगर आपको आता है तो यहां कनेक्टिविटी सेम थिंग पे जा रही है सेम कनेक्टिविटी कर रहे हैं जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस केवल आए हैं एनालिटिक के डिफिनेशन के, के साथ जब से एनालिटिक की डिफिनीशन लिखी तब से मुझे प्रॉब्लम है तब से हम इधर से उधर देख रहे हैं और ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं और डिफ्रेंसिबिलिटी के साथ भी आई जो डिफ्रेंसिबिलिटी डिफिनीशन है क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंस पे अगर डिफ्रेंसिबिलिटी की डिफिनीशन हो गई तो हमें उस पॉइंट की हर एक डायरेक्शन पे नेबर उड पे नहीं हर एक डायरेक्शन पे मतलब जितने भी पाथ उस पॉइंट से पास हो रहे हों उस पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए

तो हमने कहा हमारे पास सेंस अगर मुझे आ, सेवर का सेंस आता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आज मैंने स्टार्ट किया आ, फिर से मैंने वही चर्चा उठाई जो मेरी पहले चर्चा हो रही थी कि हम फिर से एक बार एनालिटिक की डिफिनीशन लिखे हमारे सामने और एनालिटिकेशन किया कि वास्तव तो में एनालिटिक क्या है तो मैंने कहा किसी भी पॉइंट पे अगर जेड नॉट है अगर वो फंक्शन एनालिटिक होगा तो तब कहलाएगा जब उस पॉइंट के किसी भी एक नेबरहुड में कम से कम एक नेबरहुड मुझे ऐसा मिलना चाहिए जिसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियबल हो तो जेड नॉट पे एनालिटिक कहलाने लगेगा हमारी बात हमने क्वेश्चन लिखे क्वेश्चन कुछ इजी लिखे जिससे हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे सामने अभी क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जो हम डिफिनिशन नहीं लगा सकते हमने लिखे नहीं है वो बात दूसरी अभी आने वाले हैं कि जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो हम उस क्वेश्चन को एनालिटिसिटी कैसे चेक करें या तो छोटे छोटे लिखे जेड बारह लिख दिया जेड माने से का मॉड का होल स्क्वायर लिख दिया ऐसे फंक्शन तो नहीं हमेशा आ सकते फंक्शन कुछ और भी आ सकते बहुत कठिन कठिन आ सकते तब हम कैसे डिसाइड करेंगे फंक्शन डिफरेंशियबल है कि नहीं है तो उसके लिए हम चाहते हैं कि कुछ मुझे और भी थ्योरी मिल जाए जिससे कि हम बड़े बड़े क्वेश्चन को भी मोड़ना सीख जाए डिफिनिशन आप हर जगह नहीं लगा सकते हो क्योंकि हर जगह आप ये नहीं देख सकते हो कि पॉइंट कहाँ कहाँ फंक्शन डिफरेंशियबल है क्या मुझे ऐसा नेबरवुड मिलेगा जहां पे फंक्शन डिफरेंशियबल हो जाए दिस इज अन डिफिनीशन बट बट दिस वी कैन नॉट अप्लाई इन ऑल क्वेश्चंस दैट मींस वी हैव फेस सम तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा नहीं चलो चलते हैं हम इस थ्योरी को कनेक्टिविटी कनेक्ट connect करते हैं किसी दूसरे सेंस पे तो हमने कहा ठीक है एफज हमारे लिए फंक्शन है फंक्शन को हम लिखते हैं यू प्लस आई बी अगर हम यू प्लस आई बी लिखते हैं तो मेरे सामने यू है तो यू यू है

तो हमने कहा अगर हम फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में पूरा डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे आ, तो मेरा मन ऐसा क्यों था क्योंकि पहले से थ्योरी आगे की थ्योरी जो हो चुकी है तो उस थ्योरी को देख के हमने कहा नहीं अगर मैंने इस फंक्शन को डिफरेंसबल एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया डिफरेंसबल वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया और हम कहते हैं कि नहीं अगर डिफरेंशियल कर दिया और इसमें एक और कंडीशन होल्ड करती है वो कंडीशन कौन सी हमने कहा इफ 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 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई टाइम्स एफ ऑफ वाई से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर डी हमने कहा अगर ये इक्वेशन होल्ड करती है तो जरा पुट कर देते हैं डी में ये दोनों इक्वेशन तो हमने कहा चलो पुट करते हैं सो वी विल पुट इन डी तो डी में हमने अगर पुट किया तो हमारे पास आया यू एक्स प्लस आई वी एक्स इक्वल टू आई टाइम्स यूवाई प्लस आई बी वाई नाउ कंपेयर बोथ साइड We will get some two equation. So we can compare with the real to real coefficient ux is equal to minus V y and u of x is equal to V of y. Okay. Mm. Oh something is wrong. Oh ux v y. प्लस का ये है बेट 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 दिस इज़ यूएक्स सो यूएक्स बे द वी वाई यूएक्स इक्वल टू माइनस वी वाई वी वाई एंड दैट इज़ वी वी एक्स इज़ इक्वल टू equal to is equal to uy okay ah okay. uh, but 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 uh, condition this is not condition valid condition is different thing condition is opposite if f y equal to ifx okay not a that one ifx okay मुझे क्या मिला मुझे एक इक्वेशन मिली दो इक्वेशन मिली कौन कौन सी कंपेयर किया तो जैसे कंपेयर किया तो मुझे क्या मिला कंडीशन मैंने अपने मन से ली है और उस मन से कंडीशन लेके मैंने कहा हमारे पास दो इक्वेशन मिली आप कंपेयर करते हैं तो Ux Ux इक्वल टू वी वाई हो जाएगा एंड हां नाउ करेक्ट ओके यू वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स ओके नाउ यस नाउ अर्जुन करेक्ट

और इसको याद करना है कंडीशन मैंने खुद जनरेट किया है Fy equal to ये तो याद भी रखनी है जो कंडीशन जनरेट होकर मैंने ऐसे जनरेट कर ली है उसको हम क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे एफ एफ वाई इक्वल टू आई एक्स ओके उससे मुझे सीआर इक्वेशन मिल रही है दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन अब हम आगे बात करने वाले हैं कि कॉशी डीमान इक्वेशन का क्या यूज हुआ कैसे यूज करेंगे और कब कब कॉसिडीमान इक्वेशन होगी

बट कन्वर्स मे आर मे नॉट बी ट्रू लेकिन कन्वर्स ट्रू होगा कब होगा सम सफिशेंट कंडीशन के साथ क्या कंडीशन होगी यू और बी के साथ कुछ कंडीशन होगी अगर ऐसा हो गया और इक्वेशन सीआरिकेशन भीफाई होगी तो एनलिटिकबल भी होगा सो वेट फॉर द टुमारो क्लास ओके इतना सब पढ़ के बैठोगे